press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा आईपीएल के चौथे मैच के बारे में, जो कि राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच है। अगर मैं दोनों टीम की बात करूं, तो दोनों ही टीम लगभग एक जैसी है, पर मैच जयपुर में है इसलिए राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। अगर मैं दोनों टीमों की बैटिंग की बात करूं, तो पंजाब में क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, डेविड मिलर, मनदीप सिंह जैसे बल्लेबाज हैं, तो वहीं राजस्थान में अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, एस्टन टनर, जॉस बटलर, बेन स्टॉक जैसे बल्लेबाज हैं। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, तो राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, पर पंजाब से अगर क्रिस गेल और राहुल चलते हैं तो पंजाब मैच जीत सकता है। अगर दोनों टीम की बॉलिंग देखें, तो राजस्थान में जोफ्रा आर्चर, धवल कुलकर्णी, ईशन सोदी, बेन स्टॉक, ओसेन थॉमस जैसे बॉलर हैं। वहीं पंजाब में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मुजीबुर रहमान, एंड्रयू टाय जैसे बॉलर हैं। अगर बॉलिंग की बात करें, तो पंजाब ज़्यादा मजबूत दिख रही है। अगर मैं दोनों टीमों की कैप्टन की बात करूं, तो पंजाब के कैप्टन अश्विन हैं, वहीं राजस्थान के कैप्टन रहाणे हैं। दोनों ही अच्छे कैप्टन हैं। इस मैच में सबकी नज़र स्टीव स्मिथ पर रहेगी। स्टीव स्मिथ एक साल के बैन के बाद आईपीएल में वापस आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि आईपीएल की शुरुआत अच्छी हो। अगर देखा जाए तो इस मैच में क्रिस गेल भी धमाका कर सकते हैं, वो अभी अच्छे फॉर्म में है। राजस्थान को गेल को रोकना ही होगा और राजस्थान को गेल के खिलाफ रणनीति तैयार करना ही होगा। दोनों ही टीम चाहेगी कि आईपीएल की शुरुआत जीत से करे। दोनों ही टीम के फैंस भी चाहेंगे कि उनकी टीम मैच जीते। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।